अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी इस टाइम दरोगेवाला के इलाके में मौजूद हूँ। पूरे लाहौर शहर में माहौलियाती आलूदगी का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है, लेकिन जनाब ये वो इलाका है जहाँ पर माहौलियाती आलूदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ से हमें पहले भी मुतअद्दिद बार शिकायत मौसूल हुई थी। यहाँ पर गैर कानूनी फैक्ट्रीज मौजूद है जहाँ से जो है जहरीला धुआं निकलता है, और वो जहरीला धुआं यहाँ पर आवाम की जिंदगियों में भी जहर घोल रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पे जितने भी अभी तक मैं यहाँ पे लोगों से मिली हूँ, ओवरऑल यहाँ पे लोग जो है उनके साथ यहाँ पे सेहत के मसाइल हैं, यहाँ पर और क्या मसाइल हैं ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगी। महराज पहले आप जरा दिखाइएगा, ये चारों तरफ जरा पहले आप दिखाइएगा कि मेरे चारों इतराफ यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। खवातीन मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जवान लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं, बल्कि शदीद परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुझे बताइएगा कि ये आखिर मसला क्या है, ये फैक्ट्री का धुआं कहाँ से आ रहा है? ये एक फैक्ट्री का धुआं ज़्यादा हमें तंग करता है, पीछे से भी आता है, सामने से भी आता है बहुत ज़्यादा। वो जो सामने मेल वाले ना, उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। हमारे बच्चे बड़े जो है ना, वो सांस का मसला हो चुका है, मैं खुद सांस का मसला हो चुकी हूँ, इतनी खांसी आती है, सांस आता है। ये लोग यहाँ पे बनाते क्या हैं? ये लोग ये सरिया बनाते हैं, वो गार्डन बनाते हैं, अगली मिल वाले गार्डन बनाते हैं, इधर वाले सरिया बनाते हैं। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। क्या करते क्या हैं ये लोग? सरिया बनाना कार्बन इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा हमें इस्तेमाल कर बुलाते हैं, वो हमारा कुछ नहीं करते। अच्छा। पीछे से पुलिस वाले आए थे, वो भी आए थे साथ, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, वो चीजें उठा के इनकी ले गए, मगर वो चीजें फिर वापस ले। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत है, क्या कह रही है? पैसा बहुत है इसके पास। अच्छा, तो ये लोग यहाँ पे कार्बन जलाते हैं। लोग अंधे हो गए, गलों की तकलीफें हो गई, मास्क बार ना बेशक ये देख लेगी। हाँ, और माँ जी ये कितने अरसे से ये फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद है? इतने बच्चे हैं, वो इतने ही रह गए हैं, वो बड़े ही नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि ये आलूदगी अंदर जाती है। हाँ। इसका खुदा के लिए आपके आगे भी करते हैं, इसका कोई इलाज ना, करो ना, हाथ ना और जोड़े। पक्का करो, पक्का करो, ये नहीं आगे चले गए। हाँ। तो कोई बात नहीं, नहीं माँ जी, हम आपसे वादा करते हैं, हमसे जो मुमकिन होगा हम वो यहाँ पे जरूर करेंगे। अच्छा, मैं ओवरऑल में जरा आपको जरा यहाँ पे मैं सूरत हाल दिखा दूँ। ये छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चे अब इसका हाथ दिखाओ अपना, ये देखें, ये बच्चों के हाथ यहाँ पर काले हैं, ये बच्चों के आप जरा यहाँ पर पैर देख सकते हैं, ये बच्चों के पैर यहाँ पर काले हैं। बेटा आप दिखाओ अपने पैर, दिखाओ आगे आओ, ये देखें आप, ये देखें, ये बच्चों के आप जरा यहाँ पर हाथ देख सकते हैं, ये बच्चों के हाथ यहाँ पर काले हैं, और ये बच्चे बेचारे यहाँ पर ऐसे ही बेचारे ये लोग यहाँ पर रहते हैं, और खवातीन यहाँ पे परेशान है। माँ जी आप क्या कहना चाहती हैं? आज तो कुछ भी नहीं। हाँ। तो अल्लाह का दिन था ना। हाँ, तो ये साफ सुथरे लोग हो रहे हैं। हाँ। अगर आप इसे पहले देखते या बाद में देखते, फिर आपको पता चलता। क्या कह रही है? हमारे घर जाके देखे, हमारे घर को इतना पाव नहीं रख सकते। ओहो, ये देखे आंटी का पैर भी, सारे सबके पैर यहाँ पे गंदे हैं। हाँ जी, हाथ पाँव मुँह ऐसे करते, हर चीज काली होती, बर्तन काले। चले मेरी बात सुने ना, चले हाथ मुँह अगर यहाँ पे खराब हो गया तो चले वो तो पानी से साबुन से धुल जाएगा, जो अंदर जो हो रहा है उसको क्या करना है? अंदर वो बीमारी अपने कब्रों में चले जाए, और क्या हो गई है? क्या कह रही है? निकलती काली खांसी आंधी, काली शात हो कंदरों निकलती बगल में। अच्छा। हाँ, दुमे की वजह से। हाँ। इसलिए थोड़ी मिन्नत करने है, कुछ ना कुछ हल साडा गरीबां दा करो। बहुत कालक आती, छत पे भी आती है ना, ऊपर जाने के लिए। ये कितने, ये पूरे दिन में कितनी देर तक यहाँ पर धुआं निकलता है? ये रात दिन चलाता है। क्या कह रहे हैं? रात दिन चलाता है, रात दिन चलाता है। रात दिन कभी कोई शिकायत नहीं करवाई? क्या कह रहे आगे? अच्छा, आप क्या कह रहे हो? बिल सील करके जाते हैं, उसके बाद दुमा फिर चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और महकमा बोल रहा था, अफसर से कहते हैं, वो कहते हैं ये सरकार जितना कर रही है उतना कर रही है। हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। आपको क्या हुआ? कह रही है आप बीमार हैं। हमारा नाक बंद हो गया, गला खराब हो गया। हाँ। डॉक्टर साहब कहते हैं ये स्मोक की वजह से हुआ है। अच्छा। अब ये देखे जीरे वाला को ये नजर नहीं आ रहा, स्मोक कहाँ से जा रही है? अब ये देखे ना, स्मोक कहाँ से पैदा हो रही है?
अभी ये फैक्ट्री, अभी ये फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है, बंद है, निकल रहा है धुआं, अभी निकल रहा है। वो कहते हैं मले वाले अदालत में जाएं, हम क्या करें, महकमा मौलिया के अफसर ये कहते हैं। हाँ। वो आते हैं और पैसे लेते हैं, डे गर्म करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, महकमा मौलिया का यहाँ पे कभी कोई अफसर आया? आए हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जी भाई आप बताए, इधर आ जाए, इधर ही आ जाए। ये महकमा मौलियात वाले आते हैं इधर और सील लगाते हैं। हाँ। और चले जाते हैं। अच्छा, 10 मिनट बाद वो पैसे लेते हैं तो सील टूट जाती है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खुदारा, ये महकमा जो ना मौलियात का, ये दुनिया का सबसे गंदा तरीन महकमा पाकिस्तान का है। वाले तो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं। मौलियात को फौरी तौर पे बंद करना चाहिए, ये महकमा इतना हो चुका है। अच्छा, शर्म ही नहीं आती। हम टाउन हॉल जा के इनके दफ्तर जा के थक गए। एक होता था तारक जुबान डिस्ट्रिक्ट लाहौर का। हाँ। हम उसके पास ही गए कर ले मिनता जी, ये लोग सुनते ही नहीं हमारी। अच्छा, 10 मिनट बाद आते हैं, 2-3 हजार लेते हैं और सील तोड़ के चले जाते हैं। अभी मुझे ये बताइएगा कि चले, एक तो महकमा माहौलियात की तो यहाँ पे इंतहाई संगीन गलती है ही है, ये अभी ओवरऑल आप लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं? हर किसी के हाथ पैर मुंह यहाँ पे काले हुए हैं धुएं से। रहना मुश्किल हो गया, सांस आता नहीं। स्मोकिंग स्मोकिंग रोज टीवी देखता, वजीर आला को पता नहीं चलता कि स्मोकिंग आग कहाँ से रही है। हाँ। ये धुआं सारा तो इंडिया से आ रही है। इंडिया ने फसलें जला दी है, स्मोकिंग इधर से जा रही है, किधर से नहीं आती। अच्छा, ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका, ये रिहायशी इलाका सन पैंट से पहले का है। अच्छा, सन पैंट से पहले का इलाका है और रिहायशी इलाका है। वजीर आला कुछ ना कुछ करना चाहिए इस इलाके का, ताकि ये लोग सारे मार रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो जनाब यहाँ पर ये है कि अगर ये रिहायशी इलाका है तो रिहायशी इलाके में यहाँ पर सनअती काम की जो है इजाजत यहाँ पर किसने दी है? ये फैक्ट्रियाँ कितनी पुरानी है? पैसे ले लेके NOC दिया हुआ है, पैसे लेते हैं, NOC देते हैं, जाओ लगाओ फैक्ट्री, मल्लेदारों को मारो। ये लोग कहते हैं मल्लेदार मार जाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे जमीन, जो सारी कब्जे में कर लेंगे। हाँ। ये तो कुछ मैंने काम मौलियात को कह रहे हमारे मकान सब कुछ काला ही काला, काले बिस्तर, काली चार पाइयां। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, झूठ नहीं है, जाके देखो, दिल इतना तंग आता है, तंग आता है। कर लो, हम जिम्मेदार नहीं है, हम इतने हम कुछ डालेंगे जो भी करोगे कर लेंगे, उनको से मतलब क्या। अच्छा, बदतमीजी बहुत करती है। ये यहाँ पर सूरत हाल है जनाब। अभी मैं जनाब आपको आगे भी जनाब आपको लेके चलती हूँ, मैं एक बार हटाती हूँ। क्या कह रही है? पैसे की ताकत है। सारी बात है आंटी, जिसके पास यहाँ पैसा है वो सबसे बड़ा बादशाह यहाँ पर वही है। ये आप देखे जरा, अपना हाथ देखो, ये देखे, ये यहाँ पर सारा का सारा ये वो धुआं है जो कि धुआं निकलता है या फिर फैक्ट्रियों से। और अभी आप जरा ये जरा आप सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये देखें, आप दिखाएं माजी, ऐसे दिखाएं माजी, ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, ये देखें, ये वो सूरत हाल है। अब बेचारी अवाम यहाँ पर करे तो क्या करे, जहरीले ये जहरीला धुआं अवाम के अंदर जा रहा है, ये जहरीले धुएं से अवाम के घर यहाँ पे गंदे हो गए हैं, बच्चे यहाँ पे बीमार हो गए। माँ जी ये कैसे ठीक होगी सूरत हाल? माँ जी सूरत हाल आप बताएं। मैं गल कर रही हूँ, कुरान पाक पढ़नी है, मेरे देखे काले शाह, चलो मेरे नाल मेरा कुरान पाक देखो काला होया सारा। हाँ। तो मेरे को अंदर नहीं पढ़े जिंदा कुछ, आंखों में मोती आ गए। ये देखें, ये मिराज जरा के आओ के ये जरा यहाँ पे एक सूरत हाल है कि धुएं की वजह से माँ जी की आंखों में मोतियाँ यहाँ पर आ गए। कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता अंदर में बत्ती चढ़ने का बाहर तो ते मेरे काले अठदार हो गए सही है, नीले नौ बदली नीले दे नहीं मेरे तो ये चल रहा है, नहीं दे दे काले इसको आ ले चलता है। देखो भाई इसको पक के ना सारा लेके चल रहा है, मैं कह रहा ये पक के ना चलना सारा दे दे, तो ये देखे ये काली सूट तेरी बड़ी मेहरबानी, ये सारा दुख रखो होना चाहिए, ये सारा दुख रखो होना चाहिए। पैप लगे हुए हैं ना? हां जी। धुआं निकलता है तो फिर बदबू से खा नहीं जाता। अच्छा, इतनी बदबू फिर आंधी है किधर से? अभी ये कब निकलेगा? अभी नहीं निकला, कैसे कभी कभी निकलता है, पता नहीं की पालते ने, टायर पालते ने, गंद की पालते ने,
घर से बैठा नहीं जाता, इतनी बदबू आती। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं? हाँ, फिफरे अंदर खाली स्याह आती है, खांसी आनी छाती जाने। मैं अभी आती हूँ, अभी मैं आप लोगों के घरों में भी जरा मैं यहाँ पर अभी आती हूँ। मैं अभी यहाँ पे जाऊँगी क्या, अभी मैं जरा यहाँ पे लोगों के घरों में भी जाऊँ। अगर बड़े हो गए गए ओथे जाके दा खत्म कर कर दंदे ने, इथे बड़ा कर जांदे ने, और बीमारियां लग गईयां ने सानू, खांसियां लग गईयां ने। ये खाना थाली दी और पक रही है, ये देखे, ये देखे, और खान ना रहे थे फिर साडे ते। हां, बहुत सानू तंग कीता है। क्या कह रही है? असी वेड़े च बैठ के रोटी नहीं खा सकते, वेड़े में बैठ के रोटी नहीं खाई जाती। मां जी, ये कौन, इसको कौन, इसका हल कौन करेगा मसले का? ये जो भी नई हुकूमत आई है, आपको लगता है कि वो भी मसला हल कर सकती है? हुकूमत नहीं कर दी, ऐसा करके तोड़ जाती है तो उसे ज्यादा फिर कर। अच्छा, फिर कुछ नहीं पकड़ा है। बर्तन क्या कह रही है? ना बर्तन कपड़े होते हैं ना बच्चे में, उसका जब निकालते हैं ना हाथ काले, कसम से वो पहने नहीं जाते। कसम नए कपड़े पहने पड़े हैं, पहन नहीं सकते। नए कपड़े काले हो गए जनाब, तो रात को पहने हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। हाँ जी भैया, हमारे अल्लाह रसूल का दिन 12 रुपए लेवल था। हाँ जी, नहीं तो हमारे वो हालत होती की देखी नहीं जाती। अच्छा, माजी इसको ठीक कौन करेगा, ये आपकी सूरत हाल का मोहल्ले की? अब आप ये आखिरी हैं आप। अच्छा, मैं आखिरी हूँ? मैं आपकी आखिरी उम्मीद हूँ, सब आ चुके हैं। हाँ, इसको माजी आपको ये नहीं लगता ये काम तो हुकूमत का करने का? आप कहेंगे तो होगा ना? हम तो कह देंगे। जनानी को बहाली हो चंगी छोटे छोटे बच्चे अच्छा माजी, लेकिन ये काम करना तो तब्दीली हुकूमत का काम नहीं है? महकमा माहौलियात उन्हीं के पास है ना, वजीर तो उन्हीं का है। सारे आए ने, सारे सूर खा लेंगे ने चले जाते, कोई गल नहीं सुनता। ये गरीबा ना मल्ला है, जाने लोग पैसे दे देना। हाँ। ऐसा पासे हो जाने, ये करिए, ये पैसे दे देंगे लोग ना? पैसे वही तो क्या, साढ़े कमरे जड़ी जगह ने पैसे दे देने, असं चले जाइए। अच्छा, पैसे भी नहीं देंगे, उल्टे गाला कट दे। माजी मुझे ये बताइएगा, अभी मैं यहाँ पे बच्चों को देख रही थी, अभी मैं यहाँ पे बुजुर्ग खवातीन को देख रही थी, सबके हाथ काले हैं, पैर काले हैं, पुत्र आ गए साडे, और एक ऐसी जुतियां पाइयां ने। अच्छा, तो देखा तो आओ इधर आओ, कौन देखे ना मेरा हाथ, थोड़ा इसके पैर दिखाए, बच्चा पैर दिखा अपने, ये देखे नंगे पैर घूमे हो? नहीं, जूती पहन के सुबह ना आया हूं। हां, वो गंदे हो गए हैं। अच्छा, काम भी नहीं किया। अच्छा, छुट्टी की थी। अच्छा, स्कूल से वो पांव गंदे हो गए, अब फिर ना आकर अकेडमी जाना है। अच्छा, इन्होंने ना दो गेट रखे हैं। अच्छा, एक को ताला बज जाता है, फिर रात को दूसरे गेट के अंदर आन के ना वो मिल चला लेते हैं। अच्छा, कोठी के अंदर है। अच्छा, टाइल जलाते हैं। आपको यहाँ पे क्या मसला है, पढ़ाई में मसला होता है? पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बुके कुरान मजीद तलावत करते हैं सुबह। हाँ, वो कुरान मजीद पर ऐसे गिरते हैं, वो सारा काला हो, किताबें भी काली हो गई है, काली होती है। आज ये दिखा दे, अभी आगे देखती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये मुझे बताओ, ये सुबह नहाओगे नहीं? नहाओ, नहाया हूँ, नमाज पढ़ी है। अच्छा, नहा के फिर दिखा पैर दोबारा, दिखा ये देखो, ये देखे जनाब, ये बेचारे गरीबों के बच्चे है ना, इसके इनके पैर यहाँ पे काले ही होने हैं, ये क्या करे बेचारे? कौन सी क्लास पढ़ते हो? 10 में, 10 में पढ़ता है ये। और तुम्हारे अबू का क्या नाम है? तसद्दुक चौधरी। अब क्या करें, तुम्हारे अबू का नाम से तसद्दुक चौधरी है। अब तुम्हारे अबू का नाम अगर उस्मान गुज़ार होता ना, तो देखना मेरे बच्चे यहाँ पे यूं सारे काम हो जाते। ये आपने करवाना है, अब आपको बुलाया है। मैं करूंगी। चलो बेटा, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, चले भाई, आपका क्या नाम है? वलीद हुसैन। ये वलीद है, इसके अबू का नाम तसद्दुक है, और वलीद बेचारा यहाँ पढ़ नहीं सकता। वलीद आज सुबह यहाँ पे नहाया था, लेकिन ये नहाए या ना नहाए, दोनों चीजें यहाँ पर एक ही बराबर है। बेटा बेचारा बड़ा दुख है, इनकी
बच्ची है, इसकी आंखें देखे खराब हो गई। अच्छा हाँ, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे जो अक्सर बच्चे हैं उनकी आंखें यहाँ पे लाल है, इसकी क्या वजह है? ये धुएं की वजह से, धुएं की वजह से आवे का बच्चे पड़ गए। इधर आ, इसको क्या हुआ? ये देखें, ये वो बेचारे गरीबों के बच्चे, ना रो मेरा भाई ना रो, ये देखें ये बेचारे यहाँ पर गरीबों के बच्चे हैं। घरों में ना साबुन भी काले हैं। अच्छा, हर चीज काली है, हर चीज काली हो गई है। अंकल सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अंकल ये क्या बेचारे, क्या मुसीबत में पड़े हुए आप लोग? की करिए, साड़ी सुनता कोई नहीं, गरीब जो है क्या, गरीब आदमी ऐसी कोई नहीं सुनता। इतने एक बार जाकर ना तो गल पैंदा, वो कहंदा जो जो हुंदा जे कर लो, जो करना कर लो, वो कर लो जो हुंदा, मैं निपट लांगा तेरे नाल। काम कहता है मुद्दा सी है जिने मिला लेने, इन्हें कहंदे पुत्र इन्हों की वजह नाल मैं सारे कोई बंदा दसे के तंदुरुस्त सब बीमार। अंकल आपके भी पैर काले लग रहे हैं। पैर की काले वेहनी है, इधर वे है मेरा बाईपास ऑपरेशन है दी वजह नाल होया। अच्छा देखो, हां ये यहां पर सूरत हाल है बेचारे, ये गरीब लोगों का मोहल्ला है यहां पर, यहां पे गरीब लोग यहां पे रहते हैं। ये फैक्ट्री के धुएं ने यहाँ पर आवाम की जिंदगियों को यहाँ पर अजीरन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। ब्रेक क्या पे लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट, और अभी मैं इस टाइम यहाँ पर दरोगेवाला के इलाके में मौजूद हूँ, और ये इलाका जो है सबसे ज़्यादा मुतासर है आलूदगी से, फ़िज़ाई आलूदगी से, माहौलियाती आलूदगी से। अभी मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करते हुए महज सिर्फ आधा घंटा हुआ है, और आधे घंटे के दौरान ही मेरे अपने गले के अंदर यहाँ पर यू नो एक तरीके की उलझन शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गया है। यहाँ पे पता नहीं लोग कैसे रहते हैं। बस तेल देखो साढ़े कपड़े का हाल, रात को बच्चे को मैंने डाले हैं, सुबह उतारे इस तरह का, अंदर दीवारों दिखाए जरा इस तरह का, देखे दीवारों का हाल देखे, ऊपर छत में जाके देखे, हमारे अब्बू आए हैं उसका साफ देखे जाके, ये देखे हमारे दीवारें देखे, अंदर वाली देखे, इधर आओ मेरा हाथ, इधर आओ, ये देखे आप, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी दीवारों के ऊपर जो है यहाँ पर एक कालक आई हुई है, ये देखे अंदर, ये देखे अंदर जाती है, ये देखे आप, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ये कहें कि ये लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये लोग यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये आप जरा लोगों के घरों की दीवारों का हाल देखें। ये मैंने कल अल्लाह ताला का मानता, वो मैंने सफाई वगैरह की, 12 रबीउल अव्वल थी, बिल्कुल ये देखे मेरे चारपाई देखे, अबे मैंने दो ही है, ये दो तीन दिन में चारपाइयों का हाल देखे। अच्छा, दीवारों का देखे, हाँ हमारी वो सारी चीजें देखे, ऊपर छत जाके देखे, छत तो ऐसे है ना जैसे इधर ही मिल है, हमारे अंदर मिल है, हाँ। शोर भी इतना है, सारा कुछ इतना, बहुत हम परेशान है, तो दुख की बात है, दुख की जो आता है ना, आप जैसे मैडम ही आती है, रिश्तेदार आते हैं, नहीं मेरे रिश्तेदार नहीं, इस तरह इस गुस्से की वजह से नहीं आते, भी आपके घर में गंद बहुत है, हम कह ना मेरी बहनें आती ना भाई आते हैं, कोई नहीं आता, मैं खुद उनको जाकर लेके आती हूँ, आपके घर रिश्तेदार भी नहीं आते, रिश्तेदार नहीं आते। सबसे पहले ये बात है कि जो उनसे एमएनए रेलचक साहब है ना, वो उनके पार्टी का ठीक है, तो उनसे ले लेते हैं जी, साथ में वही है, एक दिन में सील होती है, वो कहते हैं चाहे जितनी बार मर्जी मिल सील करवाए ठीक है, हम दूसरे तीसरे दिन बाद ओपन कर लेंगे, कोई बात नहीं होता। यहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज है जिसकी वजह से, यहाँ पे यही है बस, यही है, ये ओपन है बस, और एक सीसी फैक्ट्री सरिये की, सरिया एंगल ये वो। अच्छा, तो कार्बन चलता है, कोला भी नहीं चलता, कार्बन ऊपर चले, चले क्या हुआ, आप इनके घर नहीं आती? नहीं मैं नहीं आती। क्यों नहीं आती? इस एक अलग की वजह से। अच्छा, तो इनका इसमें इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं, यही मसला है कि कालक की वजह से नहीं आती, सांस खराब हो जाता है, गला खराब होता है। अच्छा, इसलिए नहीं आते। इनके वाला साहब इतने अरसा हो गए हैं, इधर नहीं रहते, गांव रहते हैं। अच्छा, बीमारी की वजह से वो भी नहीं आते। अच्छा, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर मिराज जरा सामने की तरफ दीवारें दिखाए, ये दीवारें यहाँ पर सारी की सारी काली है, किचन यहाँ काले है, बर्तन यहाँ काले है, बिस्तर काले है, पलंग काले है, चारपाइयां काली है। अब मैं आपके ऊपर लेके जा रही हूँ छत की तरफ, आइए आइए, अब मैं आपको छत की तरफ लेकर आई हूँ, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। माँ जी जरा दिखाएं यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये देखें, ये सामने मिल रहा है, वो देखो मिलने,
ये सारा तुम्हें इधर ही आता, ये मेरा अबू इधर नहीं रहते, किसी चीज की तंगी नहीं है, ये वाले मिलोगे नहीं रहते बीमारी की वजह से। हम कल लेके आए, साल बाद अबू इधर आते, जब कोई फैक्ट्री वगैरह आता है, कुछ चीज होती है, फिर आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा मेरा जरा आप जरा नीचे वाला आप जरा फर्श आप जरा यहाँ दिखाए, ये देखे आप, ये मेरे जूते आप यहाँ देखे, ये देखिए महाराज ये जरा मेरे जूते हैं, जरा आप यहाँ दिखाएं, ये मेरे जूतों के ऊपर यहाँ पे पूरी यहाँ पे काला रश बस गई है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे, जरा आप जरा दिखा सके पीछे भी, मैं आपको जरा मैं आपको दिखा सकती हूँ कि उस जगह से आपको जो है ऑब्वियसली धुआं उठता हुआ आपको वहाँ से महसूस हो रहा होगा। ये बिल्कुल बराबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी बदतमीज़ क्या कहते हैं, जो करना है मेरा कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा अंकल सलाम, क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपके साथ? शिकायत हो गई ये तुम्हें दी वजह ना। अच्छा मैं हेल जल नहीं सकता कह पासे। अच्छा इतने मंजीते लेटा रहना, पहले चला जाना, मैं इसे रहता ही थी। अच्छा कैसे वजह? आपका दिल नहीं करता यहाँ रहने का? दिल ही नहीं करता यहाँ रहने का। आप बताए कोई दरख्वास्त को दिखा रहे थे आप? ए जी अपना मैं अपील करना थे, तुम साढ़े फायदे वास्ते आउंदे रे जां साढ़े सगान वास्ते आउंदे रे? हां मैं इतने इन्हों महलदार ने भरावान के नाल मैं मेरे नाल अल्लाह के हुक्म मेरे नाल ही रहन दे। हाँ। मैं इनू मैं कारबान टिक्की कोला यदि मैं मिल चलन नहीं देवगा। अच्छा इन्हें मैनू धमकियां दतिया बार मेरे मगर बंदे ने घलाए क्या कहते हैं मौले न मारन वास्ते इन्हें थाने मैं थाने भी दरखास्तां दतिया उत्थे पैसे पुलिसा ले आए पैसे लाइए खा ले आ जाते आते तू की कर लेना इन्हों का अगों मैं पुलिस वाले भी धमकियां देते मैं अपील करता इस वास्ते महल वास्ते मैं भी इतने रहना पूरा महला मेरा रहा है मैं अपील करता निगे निगे बच्चे वेखो तो मैं निगे निगिया भैन वेखो मामा आप कर रहे हैं लेकिन आपकी अपील सुननी किस तरह किसको अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करता वजीर आला नु वजीर आला को वजीर आला नु करता है फिर उस तो बाद उनका नाम क्या है वजीर आला नाम दा मेरे ये जनी है हां क्या नाम है इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान वजीर आजम है वजीर आला जो मैं इमरान खान नु मैं पंजाब से मैं खबर में पहुंचाई है नहीं बात तो सुने आप वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त करें मैं ओके बड़ी कीतियां बड़िया कीतियां मैं इसी नु वजीर आला पंजाब दा नाम इमरान खान इमरान खान वजीर आला पंजाब दा नाम पंजाब दा इमरान खान नु मैं अपील कीती आ मैं ओदे के अपील कीती आ ईजी साहब नु तुसी मेरी गल तो सुनो वजीर आजम दा नाम जेड़ा है ओना दा नाम है इमरान खान इमरान खान वजीर आला पंजाब जेड़ा है ना ओना दा नाम है उस्मान बुज़दार तुसी कदी ओना दा नाम सुनिया है? मैं ओना नाम सुनिया है जे नहीं आया शहबाज शरीफ का तुसी नाम सुनिया ओला मैं सुनिया है शहबाज शरीफ का नाम तुसी सुनिया है ओला भी सुनिया ए नवी पार्टी आई है हां जी ए आशा से पता लगना है तब्दीली पार्टी आई है हां जी तब्दीली पार्टी आई तो करती की पई है मगियाई नहीं कीती है ओने साडा मगियाई करके ते आ हाल की करना हल करना ओने कुछ पता नहीं ओने कुछ करना ठीक है जनाब अब ये यहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पर ओवरऑल पूरी सूरत हाल दिखा दी है आगे मैं आपको लेके चलती हूँ आगे क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं आइए अच्छा अभी हमने आपको जो है ओवरऑल सारे घर की सूरत हाल दिखाई है ये बराबर में फैक्ट्री में काम यहाँ पे धड़ाधड़ चल रहा है शोर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है माहौलियात की आलूदगी तो यहाँ पे है ही है लेकिन साथ साथ जो है शोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नॉइस पॉल्यूशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिल रही हूँ ज़्यादातर लोग यहाँ पे परेशान हैं एक और बात जो मैं अभी आपको यहाँ पर बार बार दिखाना ये चाह रही हूँ वो आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप सबके आप हाथ देख लें सबके आप यहाँ पे पैर देख लें सबके हाथ पैर यहाँ पे बेचारों के यहाँ पे काले हैं जरा ये दिखाएं बच्चों को मेरे हाथ से पहले ये दिखा दें सब बच्चों के हाथ पैर यहाँ पर काले हैं मेरे साथ यहाँ पर अभी एक भाई भी मौजूद है इनका यहाँ पे सांस का मसला है सलामकुम वालेकुम सलाम कितने अरसे से आपको सांस का मसला है 9-10 साल हो गए ना 9-10 साल हो गए हाँ कैसे शुरू हुआ आपका मसला ये इधर ही है बहुत धूप पैंदा है सांस इस वजह तो खराब हो गया उस बाद दवाइयां भी मेडिसिन बहुत सही नहीं होया अच्छा डॉक्टर्स क्या कहते हैं डॉक्टर कहते हैं सांस का मसला है अच्छा
सांस रुकता है, चल फिर नहीं सकता, दवाई खाना फिर मैं लगा फिरता उंज नहीं चलता। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ठीक कैसे हो गई है? ठीक हो, वो साफ माहौल चाहो तो ठीक हो, इधर साफ माहौल चाहिए। हाँ जी, आपका घर कहाँ पर है? घर इधर है, इधर ही है। यहाँ तो आपको साफ माहौल नहीं मिल सकता? नहीं मिलता इधर से। अच्छा, और फिर बीमार ही रहेंगे फिर तो? बीमारी फिर इसी तरह ही हूँ, घर छड़ के किधर जाए तो और लै नहीं सकते, दवाई लियानी जड़ी वो मुश्किल है, किसी टाइम लैन दी किसी टाइम नहीं लिया दी जाती। अच्छा, आप बताएं सलामकुम जी। मैं भी इधर ही रह रहा हूँ। आपको बता दें, आपको भी गला खराब हो गया? गला खराब 8 साल हो गए, गले खराब, दवाई खा रहे, मुश्किल खराब है। दवाई खाते रहे सही रहेंगे, नहीं खाएंगे फिर ये बड़ी, ये इधर कितने केमिकल होते हैं कि धुएं केमिकल, हम लोग क्या सारे ही बीमार हैं। हर घर में बंदा बीमार है, ये नहीं मैं बीमार हूँ, सारे ही तो बीमार हैं। ये ना तो आज तक किसी जो भी तक सियासतदान जो भी आता है हमें तो वो झूठे दावे देता है जी, ये बंद कर देंगे, आप मुझे वोट दें, वोट लिया वो भी गायब हो जाते हैं, इधर फिर आना गुबारा भी नहीं करते, आना गुबारा नहीं करते। फिर हम लोगों ने बड़ी हर जगह किया, चाके चाके की किसी ने आज तक हमारी नहीं सुनी। ये बंदा हमें धमकिया लगाता है, जिसके मर्जी पास चले जाए, मीडिया बुलाएं, मेरा आप लोग कुछ नहीं गुजार गुजार सकते। तो ये यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसी क्या जी, नए पाकिस्तान शहर साढ़ा धुआं खत्म हो जाएगा। फिर नए पाकिस्तान जो कहना मैं उतने ज्यादा धुआं चलाना शुरू करता है, ताकि कहना मैं नए पाकिस्तान की समझना। हाँ, वजीर आला साढ़े ने इन्हों भी पता नहीं लगना चाहिए। वो कौन है आपका वजीर आला? उस्मान गुजार की नाम है उसका। उसको ये ही नहीं पता कि मौलिया सारा इधर खराब, लोग बीमार है, परेशान है। तो ये सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे स्मोक कर होते हैं कि स्मोक हो गई। लाहौर जो है, अहलियाने लाहौर यहाँ पर साफ फिजा में सांस नहीं ले रहे। आप अपना एयर इंडेक्स आप उठा के देख लें, और इस इलाके का जरा जो है यहाँ पर, इस इलाके का यहाँ पर जो अगर एयर इंडेक्स है उसको चेक किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर लोगों के लिए जो है एक यहाँ पर अच्छी फिजा तो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पे लोग जो है यहाँ पे सांस ले सके। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बेचारे यहाँ पर मायूस खड़े हैं, इन बच्चों का यहाँ पर क्या कसूर है? ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट। और ये इलाका भी लाहौर में एग्जिस्ट करता है, और इस प्रोग्राम के जरिए मुझे लाहौर के इतने सारे इलाकों में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जो ये सूरत हाल है इस इलाके में, गंदगी तो चले जनाब एक अलग बात है, कूड़ा करकट तो जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई फिजाई आलूदगी बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, माँ जी क्या हुआ आपको, खांसी आ रही है? गले खराब होए ने। हाँ, कितों इन्या गरीब बंदा कितों दवाइया लिया, कितों सर्फ साबण लिया। हाँ, एक मेरा बच्चा वो ज्यादा मिल परेशान हो गए, मुंडा भी बीमार, एक मेरा बेटा है ओदो 10 महीने का, जो आबू मेरा बचपन च मैं लंडी हुई है, मेहनत मजदूरिया करके कुली तैयार की है, बेचारा बुढ़ा होया है, बीमारियां ना आया धुएं के नाल सानू बीमार किया है, इन्हें कि नहीं एक दवाई लिया। ये देखें यहाँ पर जरा माँ जी की तबीयत इतनी ख़राब है कि बात यहाँ पर कम कर रही हैं, खांसी यहाँ पर ज़्यादा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं? असी इन्हों तो बहुत ज़्यादा तंग है। हाँ, आप यहाँ पर मोहल्ले में कितने अरसे से रह रहे हैं? बड़ी देर हो चुकी है। अच्छा, असी इन्हों को पंचायत भी लै गए, मस्जिद साड़ी गल हुई है, तो पंचायत घर गए बड़े भाई वाले, उन्होंने कहा भी तेरी मेहरबानी समझाओ कुछ, उसे मन गया भी मैं नहीं बालांगा, वो नहीं हटिया, फिर भी यही काम कर लिया, सील करके और दोबारा फिर बाल के फिर ले जाने, उन्हें सन बहुत मजबूर किया, तो असं बहुत तंग है उस तो। आज देखो कराने पाग का की हाल है, कराने पाग पाने की हाल है, तो जुलूस करने फिर भी कोई हाल है, साड़ी कोई सुनता ही नहीं है। ये आप ये बताए ना, इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? बहुत ज्यादा कालक पी अखा च मूह च अंदर थुक हों, थुक भी साढ़ा काला हों, बहुत ज्यादा ही इन्होंने तंग है, बड़ा ना तरला मारा नहीं सारी सुनते जो जो कर लो
तब्दीली सरकार से आपको उम्मीद थी कि तब्दीली सरकार जब यहाँ पर आएगी, क्योंकि उनका तो इंतखाबी मंशूर ही था ना। अभी चलो भी के मिंत की थी, जिस तरह भी किया है साढ़े तो उल्टा परसा ही कराया। तहरीके इंसाफ की हुकूमत से आपको उम्मीद थी कि वो आएंगे तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कहते थे हाँ जी बेहतर होगी, तो कुछ भी नहीं अकड़ा बेड़ा कर हो गया, लाके पै गए सन तो अभी तो रोटियां हाजिर हो गए। तब्दीली आ गई, तब्दीली कोई नहीं आई साढ़े बाद साढ़े बाद सगो जमत आई है, तब्दीली कोई नहीं आई है। तब्दीली ने क्या किया? नहीं जमत ये नहीं तब्दीली आन दे फिर है ना, सब माड़े बंदे सुनेगा कोई तो फिर ही है ना, ये सारी सुनता कोई नहीं है। अभी ऐसा आगे है ना, आगे जेड़ा जिन्हें ज्यादा तकलीफ है ना वो पैसे लवे, अद्धे पैसे दिंदा है, कहते जाओ मकान में तो जाओ इतो जगह छड़ के। ये जुलूस भी कटे ने और बड़े हंगामे किए ने, पर कोई असर नहीं हो रहा। बात सुनेगा, ये जो नई हुकूमत है, नई हुकूमत बेड़ा करे काटा से हुकूमत ने फड़ के। अच्छा, गरीब आदमी जरा माड़ा बंदा सी वो बेचारा के रोटी भी खाता सी, दवाई ले लेंदा ना। मेरी बात तो सुने, इनका तो अजम था कि मुल्क से फिजाई आलूदगी को खत्म करेंगे। हां ये खत्म नहीं कर रहे, फैला रहे हैं सगों। कैसे? इन्हें ये कहता कि सारे जिन्ना भी पाकिस्तान दे विच देखो तुसी कि जिथे मार्केटा बनिया ने उथे तफल दे रहा। जो गरीब आदमी जरा बिलकुल नहीं पुछता पाया कि की हो रहा की नहीं। हाँ। देखो सारे जिन्हें ने किसी का बाईपास होया, कोई बीमार है। हाँ। कोई बेचारा परेशान है, कोई साह बीमारी, मैं खुद बीमार हाँ। क्या हुआ आपको? मैंने साह बीमारी हो गई है। अच्छा। मैं पंजाब टूर का ड्राइवर हाँ। अच्छा। ने बेड़ा खड़ा किया, सारी आवाम का बेड़ा खड़ा करता है, छोटे छोटे बच्चे वो बेड़ा खड़क हो गया। उम्मीदें नहीं, अब तो बेड़ा खड़क कर दिए सारे लोगों का। हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, ये घर ले जाए ऐसी तब्दीली, घर ले जाए। हाँ, अपने घर ले के जाए, फिर इसको पता चले ये कैसे होता है। सही बात है, गरीब आदमी जो दाल खा के सोता था ना, अब वो दाल नहीं खा सकता। भाई मैं सिर्फ यहाँ पर ये चैलेंज करती हूँ कि कोई भी हुकूमत का बंदा आ जाए, कोई भी हुकूमत का बंदा आ जाए, कोई MNA आ जाए, कोई MP आ जाए, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई मिनिस्टर यहाँ पर आके सिर्फ एक घंटा यहाँ पे आके गुजार ले तो उसको लग पता जाए। आप क्या कहते हैं? यही हमारा फैसला है, कोई भी मिनिस्टर जो है ना हाँ। वो इधर एक दिन आकर ठहरे, एक दिन भी नहीं घंटा, एक घंटा भी नहीं निकालेगा वो एक घंटा भी नहीं निकाल सकेगा, उसका सांस रुक जाएगा। इस तरह हमने इधर रह रहे हैं, इतना बुरा हाल है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे जो है ना वो भी बीमार है। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तब्दीली सरकार तब्दीली का तो बस इसका पहले नारा भाई था। वो तो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं कि भाई फिजाई आलूदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं ना होनी चाहिए, लेकिन चेंज हो रहा है, लाहौर का मौसम चेंज हो रहा है। अब आप जो अब आप जरा आप देखें ना कि आज आज नवंबर की कोई 11 या 12 तारीख है, अभी तक लाहौर शहर में सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, अभी सर्दी नहीं है ना, इसकी वजह से माहौलियत की वजह से। जब गर्मियां होती है ना हम ऊपर छत पे सोते हैं, हमारा इतना बुरा हाल होता है, सारे सब सब कुछ काला होता है, पहचाना नहीं जाता कोई बच्चा, ये हमारा बच्चा के का ये इनका कालक है। खुदा की कसम मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जब कोठे पे छत पे सोते हैं ना, सुबह उठते हैं ना, तो किसी का बांदर बना होता है, कोई कुछ बना होता है, कोई कुछ बना होता है, ऐसे मसला बना होता है। बच्चे नहीं पहचाने जा रहे जनाब, इतनी कालक यहाँ पर हो गई है, लोगों से बच्चे नहीं पहचाने जा रहे। जो हमारा वजीर आला है उसे पता ही नहीं, वो उधर बैठ के ना असम्बली में उधर ही सारे काम देखी जा रहा है, उसे कोई पता नहीं है। को वजीर आला को काम का तो लगाते ही, ऐसे पंजाब का वजीर आला लगाते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा वजीर इधर बड़ा सूबा उसके वाले कर दिया जिसको लाहौर का ही नहीं पता हाँ। जिधर रहता है असम्बली में बैठता है। अच्छा, उनको वैसे मेरी बात सुनिएगा, वजीर आला पंजाब से आपको पता होगा ये इलाका लाहौर शहर में भी है। क्या कह रहे हैं? लाहौर है ना, हाँ जी, गाँव नौ में प्यारा है, नहीं अच्छा इलाका है, तो इसमें क्या खराबी है? देखो ये आबादी जो है ना सन पैंट से पहले की है, सन पैंट में यही लोग थे, और जब जाने लगी थी ना इधर ही थे लोग, इतने ही थे, ये तकरीबन 2-3 हजार की आबादी है, और ये इन्होंने धुएं वालों ने इतना तंग किया हुआ है, तो वजीर आला जेड़ा उन्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। भाई आप मुझे ये बताइएगा, अब तब्दीली सरकार को क्या करना चाहिए? तब्दीली वो क्या करेगा? तब्दीली जो नहीं आई तो वहाँ ज्यादा हो गया, मैं क्या खारिज उसको तब्दीली सरकार क्या करे बेहतर करने के लिए? हम कह रहे हैं कि वो एक दिन इधर आके ठहर जाए, घर जाए इस्तीफा दे, घर जाए, उसको पता नहीं वो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट ही खेलते, किस तरह हुकूमत चलानी है,
ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਭਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਪੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਆਲੂਦਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾੜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲੂਦਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਅਭੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਿਟਰਲੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇ ਹਮ ਲੋਕ ਬਿਆਨਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਣਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਚੇਂਜ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਨ ਇਲਾਕੋ ਮੇਂ ਵੀ ਡਾਲੇ ਯਾ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਯਹਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਾਲਕ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਨੇ ਮੇਂ ਤੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਟਰਲੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੇ ਘਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਰਾਨੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਕੋ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਆ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਐਮ ਐਨ ਏ ਹੋ ਐਮ ਪੀ ਹੋ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਕਿਸ ਚਿੜੀਆ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਜੀਏਗਾ ਕੁਰਤੁਲਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।